तो अभी इवनिंग का टी बन रहा है, इवनिंग टी टाइम है। और आज भी सुबह से बारिश हो रहा है। बहुत ज़्यादा बारिश हो रहा है सुबह से। समझ में नहीं आता ये शिंजान आके घर कहाँ। सुबह से बारिश हो रही है, अभी बज रही है 4:30 और चाय चाय बन जाए, चाय पी लेते हैं उसके बाद। और ये हर रोज़ की तरह इवनिंग का दही जमा रही हूँ, थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद इसमें मैं थोड़ा सा दही डाल दूँगी। तो ये रहा मेरा चाय, और ये सुबह देखो मैंने ये सब यहाँ पर रख दिया है, क्योंकि ये वाला ऊपर का पूरा कांच अच्छे से साफ वगैरह कर लिया, फिर सोचा है कि एक दो कांच लगवाने हैं यहाँ पर ये वाली वॉल में, फिर सोचा कि नहीं मैं वॉल सेल्फ ही मंगा लूँगी, तो ये पूरा वॉल यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा। तो अभी सिर्फ ये तो अभी रख दूँगी, वरना तो कभी इसमें कुछ नहीं रहने देगा। तो ये अभी सब वापस यहाँ पर सेट कर दूंगी। सो देखिए गाइस, कबीर को एक कुछ नई चीज़ आ गई है, वो उसे आती नहीं थी बट अब फाइनली आ ही गया। तो देखो ये वाला फेसेस बनाना कबीर को आ गया। अब मैं भी देख लेगा, मैंने अभी नहीं देखा। हाँ देख ले। हे एवरीवन, गुड इवनिंग एंड वेलकम बैक टू इंडियन फैमिली चैनल। हाउ आर यू ऑल डेयर फ्रेंड्स, आई होप यू आर वेल। सो गाइज, आज है मंडे, मंडे इवनिंग हो रहा है, चाय वगैरह हो गया, मैं अभी जाकर नहा कर आई हूँ इवनिंग को, क्योंकि सुबह से लेजी डे था। बारिश की वजह से कुछ ऐसे बारिश हो रही है, कुछ काम नहीं सूझ रहा, कुछ काम करने का मन नहीं हो रहा है, तो इस वजह से नहाया भी नहीं था अभी तक। ऐसे देखो मेरे मुंह में भी कुछ नहीं किया, सॉरी मुंह फेस पे भी कुछ नहीं किया, तो मेरी आंखों के नीचे ऐसे बहुत डार्क एकदम हो जाते, डार्क सर्कल नहीं है बट ऐसे ऐसे गड्ढा गड्ढा हो गया। किस किस वजह से मुझे कुछ पता नहीं, अगर आप लोगों को पता हो कि ये किस वजह से होते हैं तो प्लीज़ मुझे ज़रा बताइएगा कि ये वाले जो आई सर्कल है वो किस वजह से हो रहा है। उसकी वजह से मेरी आंखें से जैसे मेरा चेहरा पूरा थका थका लग रहा है, पता नहीं कैसे आंखों में इसे राउंड राउंड पूरा, मैं अच्छे से नींद भी मेरा कंप्लीट हो जाता है, मैं ज़्यादा टीवी भी नहीं देखती हूँ, मोबाइल भी ज़्यादा नहीं देखती हूँ, रात को थोड़ी देर टाइम मिलता है देखती हूँ, अदरवाइज मैं अपना कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, बट आई डोंट नो कि ये सब कैसे हो गया। तो मेरा आईब्रोज बहुत छोटा छोटे हैं, बहुत छोटे, सब लोग बोलते हैं कि एलोवेरा लगा फिर इससे आईब्रो का शेप थोड़ा सा। और आज रात को सब सोसाइटी मिलकर सब लोग डिनर करने वाले थे, लेकिन ये बारिश हो रहा है सुबह से, सुबह से गणपति का कुछ ऐसे मुंह भी नहीं खुला है, पूरी तरह से ढक दिया है बारिश की वजह से। और शाम को अब क्या करेंगे पता नहीं, वो भी सोच रहे हैं। सब लोगों ने डिसाइड किया था कि सारी फीमेल मतलब कि सारी औरतों को साड़ी पहननी है एक जैसी, बट क्या अब ये सब कैसे होगा। कल अगर विसर्जन के दिन हुआ होता तो कोई बात नहीं कि वो तो हाँ उसके दिन तो बारिश होता ही है, बट आज यार सब प्लान कैसे होगा, भगवान करे 2-3 घंटे बारिश रुक जाए तो सब ये काम हो जाए अच्छे से। चलिए गाइस, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ठीक है, तब तक मैं कुछ अपना
ये ऐसे मैजिक से ऐसे राउंड राउंड राउंड। तो बस देखो थोड़ा सा ठीक कर लिया फेस को, बाल अच्छे से अभी बना लूं। और फिर अब सोच रही क्या करें क्या करें, क्योंकि टाइम अभी जा नहीं रहा है। ऑयल हेयर ऑयल करना है, बट कल परसों करूंगी, अभी नहीं करूंगी, 2 दिन के बाद। अभी 1-2 दिन साड़ी वगैरह पहनना है, तो उसके बाद अभी आज नहीं, कल भी नहीं, परसों करूंगी। बाहर भी नहीं जा सकती, हॉल में कभी टीवी देख रहा है बेडरूम में, यहाँ पर अंदर बस ऐसे ही। तो चलो ये वाला थोड़ा सा अरेंज कर देती हूँ, थोड़ा सा। देखो ये वाला मेरा जो एक आई शेडो है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। सो गाइज, ये वाला देखो मेरा आई शेडो है, इसमें बहुत सारे कलर्स के हैं, मैचिंग मैचिंग। कोई भी कपड़ा पहनो, कोई भी साड़ी वगैरह, तो उसके साथ मैचिंग हमारा आई शेडो हो जाता है। तो ये वाला ब्लैक थोड़ा सा शाइनी ब्लैक है, देखो कितना अच्छा है ना, मुझे बहुत ये वाला आई शेडो। बट कभी कभी करती हूँ मैं, ज़्यादा नहीं, कभी मेकअप वगैरह करती हूँ। देखो कितना, कभी हाँ। फिर ये वाला लाइट पिंक, देखो कितना अच्छा है, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। फोकस, है ना, बहुत अच्छा है, शाइनिंग। रेड भी है, रेड भी का है। है ना एकदम। बट कभी भी ट्राई करने का मौका नहीं मिलता, क्योंकि कहीं पर जाने का वो ऐसे होता है, तो कभी। अभी एक थोड़ा सा ऐसे ही फ्री बैठी हूँ, तो मैं अपना आई मेकअप करके दिखाती हूँ कि कैसा करती हूँ मैं अपना आई मेकअप। तो ये वाला आईवर लगा लिया है मैंने ऑलरेडी, और अभी ये बाजू। अच्छा लग रहा है ना, अभी इस पर मैं लगाऊंगी ये वाला मेरा लॉन्ग वेयर आईलाइनर स्मच प्रूफ। तो यही मैं अपने आंखों में आईलाइनर का इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि ये बहुत अच्छा है और मुझे बहुत पसंद है। देखो ये वाला, जब तक हम हाथों से ना निकाले ना साबुन से, तब तक ये निकलता नहीं है, लॉन्ग लास्टिंग है। 2 दिन अगर ऐसे रहे तो ऐसे ही रहता है, 2 दिन तक ये आंखों में से जाता नहीं है बिल्कुल। कितना अच्छा लग रहा है ना ये, देखो बहुत अच्छा लग रहा है, सिंपल सा है, लेकिन मुझे आईलाइनर। तो आप लोगों को, आप लोग बताइएगा ये मेरा आई मेकअप परफेक्ट हुआ है या नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है या नहीं, प्लीज बताइएगा। ठीक है, अभी मैं अच्छे से रेडी हो चुकी हूँ बांधनी का साड़ी पहन के। तो अभी मैं जा रही हूँ आरती में, गणेश आरती में। तो आज का कोट थीम है हमारा कॉस्ट्यूम,
बांधनी की साड़ी, तो सब लोगों ने बांधनी की साड़ी ही पहनी है। तो देखो मैं भी, मैंने ये सोना के शादी में पहना था, उसके बाद ये कभी और पहनने का मौका नहीं मिला 2 महीने से, तो ये वाला पहना है। तो चलिए वहाँ जाओ, जाकर आने के बाद मिलती हूँ, ठीक है। हे फ्रेंड, तो बस देखो मैं कबीर के लिए सुबह ही मैंने बना कर रखा था पराठा, और ये लहसुन, लहसुन की चटनी, बच्चों को कभी कभी ऐसे भी खिलाना चाहिए, वो भी अच्छा रहता है। ऐसे तो लहसुन नहीं खाएंगे, लेकिन इस बहाने वो खा लेते हैं, तो ये कबीर का फेवरेट। कबीर, कबीर तुझे ये पसंद है? कबीर ये तुझे पसंद है? हाँ बहुत पसंद है ना। और आज बना रही हूँ चना दाल, तो बस भिगो के रखा था, अच्छे से वॉश कर दिया, और डालूंगी सॉल्ट, और यही वाला सॉल्ट बहुत अच्छा आता है, तो बस हम लोग यही यूज करते हैं, और इसमें वाटर, और मैंने इसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है क्योंकि दाल बाहर ना निकल जाए, ऊपर ना जाए, इसलिए। सो गाइज, अभी बज रहा है 12:30 बज गए हैं शायद, 12:30 के ऊपर हो गया है। तो बस थोड़ा सा मैंने जो चना दाल था वो चढ़ा दिया गैस पे, और मुझे आज कंडीशनर भी करना था बालों को, तो कंडीशनर किया है। और थोड़ा सा जब भी हम लोग बाल वॉश करें ना, मैंने हर बार बोलती हूँ कि डायरेक्ट हमें बाल को कॉम्बिंग नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उससे ज़्यादा टूटते हैं बाल, तो जब तक ड्राई ना हो जाए तब तक बाल को मैं कॉम्बिंग नहीं करूँगी। और ये जो कल की साड़ी वगैरह रखा है वो सब सही कर देती हूँ, इसमें मेरी साड़ी, मेरे पास इतनी ही है बैंगल्स और नहीं है, तो इसे सब सही करती हूँ। और एक कल की साड़ियाँ रखी है तो वो सब फोल्ड करके रख देती हूँ। ये वाली साड़ी का मुझे ब्लाउज नहीं है, ब्लाउज एक साड़ी निकालने जाओ पूरी साफ, सारा साड़ियों का ढेर नीचे गिर जाता है, कपड़ लेना है नया, लेकिन कब ले, कब अब वो मुहूर्त आएगा जब मैं ये कपड़ नया लूँगी, फिलहाल अभी कुछ नहीं हो रहा, कब लेना है, कब लेना है सोच रही हूँ। और हम कल मैं फिर रात को शायद 10:30-11 हो गए थे, तो उसके बाद कोई क्लिप, वीडियो क्लिप नहीं हो बना पाई, तो अभी आज ट्यूसडे से ही थोड़ा सा मेरा व्लॉग था आधा, वो कंप्लीट कर देती हूँ। तो बस अभी मैंने आप लोगों को दिखाया वो सब किया, और अभी व्लॉग ख़त्म करने का भी टाइम हो गया है। सो गाइज प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और नए व्यूअर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। मैंने कल थोड़ा सा जो डांडिया का 1-2 क्लिप लिया है मेरा और सब हम लोग को, तो बस उसका एक अभी मैं लास्ट में वो भी डाल दूँगी, तो देखिएगा। और अच्छी लगे तो गाइस लाइक ज़रूर करिएगा, ठीक है, लाइक किए लाइक करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे जो व्यूज़ आते हैं वो ज़्यादा सा, जो जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो ज़्यादा देखते हैं, तो गाइस सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब करो, उसके बाद देखो कोई बात नहीं, ठीक है, तो सब्सक्राइब भी करो, ठीक है। तो चलिए बाय, कल मिलूँगी नए वाले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।